सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 15 नवंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जो आईपीओ है 10 से 12 नवंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 190 से 197 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 197 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। अब देखिए, अलॉटमेंट की बात करें तो इसका अलॉटमेंट 17 नवंबर के दिन आ जाएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ 23 नवंबर के दिन मार्केट में लिस्ट भी हो जाएगा। अब देखिए, प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 300 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 197 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 300 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 497 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि काफी बेहतरीन यहां पर प्रीमियम मिल रहा है। और देखिए, अगर यहां पर पहले कल की अपेक्षा बात करें तो यहां पर प्रीमियम में हल्की सी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, कल के दिन प्रीमियम करीब 353 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था और आज यहां पर प्रीमियम आप देख सकते हैं 300 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 353 हो, 300 रुपए हो, प्रीमियम जबरदस्त है, यहां पर काफी बढ़िया प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि सिगाची इंडस्ट्रीज, जो कि आज ही मार्केट में लिस्ट हुआ है, उसका प्रीमियम भी थोड़ा सा कम था। जहां पर वो लिस्ट हुआ है उससे काफ़ी कम था उसका प्रीमियम, और जब उसकी लिस्टिंग हुई तो उसमें वो बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम मिलता हुआ नजर आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, प्रीमियम कम होता है और जब मार्केट में लिस्टिंग होती है तो उसमें और ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिलते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मात्र 600 करोड़ का ही ये इशू था, यानी कि काफी मीडियम टाइप का ये आईपीओ था और उसके बाद मात्र 10% का रिजर्वेशन था, जिसके कारण मात्र 60 करोड़ के शेयर्स यहां पर आपके लिए थे रिटेल निवेशकों के लिए। तो यहां पर अलॉटमेंट काफी कम लोगों को मिलेगा, लेकिन जिसको भी मिलेगा भर भर कर पैसा वो यहां पर छापेगा, तो काफी बढ़िया उसको प्रीमियम यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। कंपनी की जैसे बात करें तो यहां पर जो डेटा एनालिटिक्स है उस टाइप की ये कंपनी है और कंपनी काफी बेहतरीन है, इन फ्यूचर काफी बढ़िया ग्रोथ है कंपनी में। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यहां पर अगर आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलता है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें कुछ दिन और वेट करें, यानी कि इसको एक डेढ़ साल तक इसको होल्ड करें। मुझे लगता है ये 1000 रुपए से ऊपर भी आपको जाता हुआ नजर आएगा, उसके भी कई कई पायदान ऊपर जाने की इसकी गुंजाइश है। तो ये काफी बढ़िया शेयर है और यहां पर लिस्टिंग में लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिल रहा है, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी काफी संभावनाएं इसमें बन सकती हैं। बस जिसको ये लॉट नहीं होता है उसको सही समय देखकर इसमें पोजीशन बनानी है और वो भी यहां पर काफी बढ़िया पैसे कमा सकता है। तो ये देखिए, ये इस आईपीओ से रिलेटेड अपडेट है और यहां पर प्रीमियम थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट टू रेट देखेंगे तो 20,000 रुपये के आसपास ये पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन है। मतलब यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा है इस तरीके से अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।